हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में वर्ड्स को जोड़कर लिखना सीखा था, तो आगे बढ़ाते हुए अपना ये वीडियो शूट करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन होगा कि मैंने इसको कैसे बताया। तो आइए चलते हैं, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला वर्ड लिखा है कि ठठक हम कैसे लिखेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ आपको ठठक हम कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ठ ठ क। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दो वर्ड्स वाले कैसे लिखेंगे, अब हम तीन वर्ड्स वाले तीन शब्द को जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये दमक है, ये द म क। आप सोचे होंगे मैंने द ये वाला क्यों यूज़ किया है, तो मैं आपको ये वाला दा भी बता देती हूँ, द म क। मैंने आपको बताया था ना कि हमें कोशिश करना है कि इस लाइन के बीच में वर्ड लिखे, तो इसलिए हमारा ये वाला सही होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। छत, ये हमारा च त, चा में कट लगा है तो बना छत। अब हम चलते हैं धमक की ओर, तो ये देखिए, धा आई मीन दा म क, दा में कट लगा है तो बना धा। ओके, ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे। ये देखिए, मैंने इसको एक्सप्लेन किया ना, ये ऐसे, ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे लिख के बताती हूँ। ये देखिए, इसको तो मैंने नीचे बता दिया कि सेम ऐसे ये भी बनेगा, बट मैं आपको इस तरह बता रही कि मैं ये वाला ऐसा माँ भी तो यूज़ कर सकती थी, ना कट वाला यूज़ करूँ, आई मीन बिना कट वाला भी तो यूज़ कर सकती थी। बट ये देखिए, इसका फॉर्म सही नहीं लग रहा है, जबकि ये एक, मतलब कि एक इसका सही फॉर्म लिखा हुआ है कि ये देखिए, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तो देखिए यहाँ तो ख़त्म हुआ। खैर, ये भी सही है, लेकिन जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आगे आपको खुद क्लियर होगा, जब आप वर्ड्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा जमघट लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ज म घ। देखिए, ता लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब आप ये नहीं सोचिएगा कि अब ता नीचे आ रहा है, ता बेसिकली नीचे ही आएगा, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि मैं ता को ऊपर लिख सकूं या इस लाइन पर लिख सकूं। सो ता मुझे इस ही लाइन पर लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नमक। ये देखिए, मैं ये वाले ना का यूज़ कर रही हूँ, न म क। क्लियर है, मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा नमक हम कैसे लिखेंगे। आइए चलते हैं झटपट की ओर। ये देखिए, झ ट प ट। ओके, ये देखिए, इसमें कट किया तो झटपट बन गया। अब आप सोचे होंगे कि ये सब तो लिखे, बट इनमें क्यों मना कर रहे थे। देखिए, ऐसा है ना कि अब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे इसको नीचे लाना ही होगा। जितना पॉसिबिलिटीज़ हो हम इस लाइन के अंदर रखें, बस इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इस लाइन के अंदर इस वर्ड को रख सकूँ, इसलिए मुझे इसको इतना लिखना पड़ा। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, पकड़ लिखा है, प क ड। ओके, क्लियर है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि राम ही अगर कट लगा दे तो वो हमारा डा बन जाता है। तो ये देखिए, ये नीचे से ऊपर मैंने बनाया और इसमें कट लगा दिया, तो ये मेरा पकड़ बन गया। आगे चलते हैं। ये तट लिखा है, ये त ट और त ट, ये मेरे दोनों तट सही हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी तट यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फरस की ओर। ये देखिए, फ र स, फरस। ओके, क्लियर है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, फ र स, अब बताइए मैं कौन सा शा यूज़ करूं, कोई ऐसा यूज़ करती हूँ, देखिए कितना बेकार है ना।
तो इसलिए ये टोटली रॉन्ग होगा, ये राइट होगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब हम जानेंगे कि हम थर थर कैसे लिखेंगे. तो आइए मैं बताती हूँ आपको थर थर हम कैसे लिखेंगे. ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म तो इसका ये हो गया थर थर. ओके, और अगर हम इसको इस तरह लिखें थर थर, इसमें देखिए ये टोटली गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आया होगा कहाँ रा ख़त्म हुआ और कहाँ था शुरू हुआ, इसलिए ये गलत होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ये हम नमक, देखिए मैंने आपको पिछले में बताया था कि बिना कट वाले में, अब हम कट वाला लिखेंगे नमक. ये मैंने कट वाला नमक लिखा है. करत क र त करत. वट व ट मन म न. ये देखिए, अब हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. और अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.